हेलो दोस्तों, आई एम बैक। अब देखो, हमारे पास दिवाली का एक नया कट्टा है, तो इसमें हम दिखाते हैं हम कौन कौन से पटाखे लाए हैं। मेरे पास दो कट्टे हैं, लेकिन मैं एक ही दिखा रहा हूँ। एक कट्टे की वीडियो फिर बाद में बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे करके मोड़ लेता हूँ, जिससे मैं आपको दिखाने में थोड़ा मुझे ईजी रहे, ठीक है? ये मैंने मोड़ लिया। अब करते हैं दोस्तों अपनी अनबॉक्सिंग शुरू। तो सबसे पहला जो पटाखा है दोस्तों हमारे पास है, ये देखो, 150 रुपए का अजंता का मिलानो है, ठीक है? तो मैं इसको आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके की इसमें दोस्तों आइसक्रीम टाइप है, ठीक है? और इसमें यहाँ आग लगेगी, हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास एली के लिए ये है दोस्तों, पोपो, 200 रुपए का बॉक्स है और इसमें शायद 100 पीसीस है। हाँ, 100 है दोस्तों, छोटे छोटे बॉक्स है, ठीक है? इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ साइड में। फिर दोस्तों 200 रुपए का हमारे पास ये माचिस बॉम है, ठीक है? ये भी एली के लाए हैं, इसमें 10 बॉक्स हैं। फिर दोस्तों हमारे पास ये है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, जो कि 260 रुपए का दिया है। ये महंगा दिया है, ठीक है? इनाया ब्रांड का है, लेकिन फिर भी मैं लेके आ गया क्योंकि मैं सोचा दिखा दूंगा आपको। तो देखो इस तरीके का बहुत बढ़िया पटाखा चलता है ये, और सीधे मतलब दिल्ली टू पुणे आप आराम से पहुंच सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों दिवाली के लिए ना, मतलब मस्ट पटाखा है ये। आप इसको लोगे तो आपको ये मतलब कभी परेशान नहीं करेगा, तो बड़ा आप बढ़िया उड़ता है। बढ़िया उड़ता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है? ये रहा हेलीकॉप्टर, यहाँ लगा देते हैं। ये देखो, फिर दोस्तों हमारे पास 200 रुपए ईच बॉक्स ये आर्चीज है। ये हमारे उस तरीके से चलते हैं जैसा पिकॉप टाइप टाइप। पिकॉप टाइप। फिर दोस्तों हमारे पास ये पिस्ता है, ये देखो, ये पिस्ता ही बना हुआ है, कार्टून वाला पिस्ता, 100 रुपए का बॉक्स है दोस्तों। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कैसा है। देखो इस तरीके का इसमें पिस्ता का बॉक्स है, ठीक है? तो इसको रख देते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास है ये आयरन मैन, ठीक है? आयरन मैन कितने का था, इस पर रेट नहीं लिखा क्या हमने? ये तो 50 रुपए का कुछ है, 50 का नहीं, कुछ तो 100-150 रुपए का होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, आयरन मैन का एक बॉक्स हो रहा है। तो दोस्तों देखो ये रहा, 240 सॉरी 280 रुपए का एक बॉक्स है ये। 140 नहीं, 140 से हो गए दोनों, सॉरी, मतलब कि 140 का एक बॉक्स। वही तो मैं भी कह रही हूँ। मेरा दिमाग चल रहा दोस्तों। तो इस तरीके का देखो, इसमें एक पटाखा है और शायद ये ऐसा चलेगा, तो इसे देखने में ऐसा लग रहा है ना, तो देख के बताएंगे। तो दोस्तों स्टैम्प तो ऐसा लग रहा है जैसे अनार चलेगा या स्काई शॉट चलेगा, देखेंगे दोस्तों कैसा चलेगा। तो इसको आयरन मैन को भी रख देते हैं यहाँ पे। फिर दोस्तों हमारे पास है ये बम्बारा, ठीक है? बम्बारा स्पिनर, तो ये भी एक मंकी स्पिनर है, ठीक है? और इसको देखते हैं ये कैसा चलेगा। बाकी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरीके की इसमें स्पिनर है, ठीक है दोस्तों? करती है, इस तरीके से घूमती है। और इसका भी प्राइस 150-200 रुपए के आसपास का होगा, ये रेट में इसका भूल गया, ये रहा 160 का दोस्तों, ठीक है? ठीक है, तो हम इसको भी ठीक है दोस्तों भाई यहाँ रख देते हैं। इनको भी, इनको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास है दोस्तों ये अजंता का चोको, ठीक है? और इसके हमारे पास है दोस्तों 2 बॉक्स, ये रहे, ठीक है? 160 रुपए का एक बॉक्स है। तो ये पटाखे थोड़े मुझे महंगे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ले आया, मस्त फैंसी चला के देख लेंगे कैसे चलता है। ये थोड़ा सा फैंसी टाइप है, ये देखो ये फैंसी पटाखे हैं। तो इसमें ये ना, ये छोटे छोटे अनार हैं एक्चुअली, तो 160 में 2 पीस ना महंगे ही है, क्योंकि 80 रुपए का एक बॉक्स एक पीस बैठेगा, तो 80 रुपए की तो इसकी वर्थ नहीं है। फिर भी दोस्तों चला के, कोई बात नहीं, चला के देखेंगे, टेस्ट में पता चलेगा। फिर दोस्तों हमारे पास है इनाया ब्रांड की ये बटरफ्लाई, जो कि 120 रुपए का बॉक्स है, और देखो इस तरीके की इसमें बटरफ्लाई है 10, ठीक है? इसको यहाँ रख देते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास है ये विसल पोडू, ठीक है? मतलब ये छोटा सा वो है सायरन, 200 रुपए का है, इसमें 5 पीस है। तो मैं अगर आपको इसको निकाल के दिखाऊं, तो देखो इस तरीके के दोस्तों छोटे छोटे सायरन है, ठीक है? तो इसको रख लेते हैं वापस, और इसको रख लेते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास एक और बॉक्स है,
जो कि अली सेकंड ये था। फिर दोस्तों हमारे पास है ये है जिसमें से नोट निकलते हैं कौन फेटी है, ये हम गलती से ले आए और मतलब इसमें हम लुट गए, लेकिन ये 200 रुपए का है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी फोड़ कर देख लेंगे। फिर दोस्तों हमारे पास है कोऑर्डिनेशन का फ्लावर पॉट जो कि डीलक्स है, ठीक है, और ये कितने का है, 200 रुपए का है दोस्तों। और इसको अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो देखो इस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन के अच्छे हमारे पास अनार है, साफ सुथरे, साफ सुथरे अनार है, मतलब प्रीमियम टाइप लग रहे हैं देखने में। फिर दोस्तों हमारे पास है ये टिमटिम के छोटे अनार, ठीक है, 200 रुपए का ये है पूरा बॉक्स, और इसमें हमारे पास 10 अनार है, देखो ये रहे। इस तरीके 10 अनार है, ठीक है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास है ये पीटल ड्रॉप्स, 190 रुपए का बॉक्स है, और छोटे छोटे इसमें भी दोस्तों अनार ही है हमारे पास, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके के 5 अनार है, ये रहे छोटे छोटे अनार है, ये रहे यहाँ इसमें आग लगानी है और ये चल जाएगा, ठीक है, तो ये रख देता हूँ यहाँ, आप इसको देख लेना यहाँ से। फिर दोस्तों हमारे पास है देखो ये कोरोना, ठीक है, फिर से कभी ना आए, ये 150 रुपए का है, तो ये कोरोना जिससे ना आए हम इसको आज आग लगा देंगे, तो मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ। देखो इस तरीके का इसमें ना एक एक पीस है ये रहा, यहाँ इसमें आग लगेगी ऐसे रख के, और बस ये है दोस्तों कोरोना, तो रख देते हैं 150 रुपए का कोरोना। फिर दोस्तों हमारे पास है ये दारू कॉकटेल पार्टी, 3 पीसेस हैं ये अनार है, ठीक है, और ये दोस्तों 300 रुपए का बॉक्स है ये देखो, और इसमें एक मैजिक मूवमेंट है, एक ब्लू लेबल है और एक टाइगर है, ठीक है, 3 तरह के अनार है, तो मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊं तो आप देखो इस तरीके के दोस्तों ये कैंडी हुई है मैजिक मूवमेंट, ठीक है, तो इनको हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर दोस्तों हमारे पास ये मोरी ब्रांड के भी अनार है, ठीक है, ये भी अनार ही है, बियर अनार है, बियर कैन, 200 रुपए का बॉक्स है दोस्तों, और देखो इस तरीके के इसमें भी 3 दिए हुए हैं, ठीक है, चिल्ड मोजी तो लिखा हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल, तो इसको भी दोस्तों हम यहाँ रख देते हैं। ये देखो अलग अलग वैरायटी है सारी। फिर दोस्तों हमारे पास है ये आइस मैन स्नो फाउंटेन, अजंता ब्रांड का है, ये 300 रुपए का है, मतलब 150 रुपए का एक है, ये ओला है इसमें, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मेरे पास 2 पीस है इसके, ये रहे स्नोमैन 2 पीस है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 180 रुपए का एक बॉक्स है, सॉरी ये रहा, ठीक है, तो पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें कैसा है ओला। चल भाई ओला बाहर आ जा, तो क्यों ना बोला ओ मेरे ओला। दोस्तों देखो इस तरीके का है, ऐसे रखे चलेगा यहाँ आग लगेगी इसमें, ठीक है, ऐसे करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का ये ओला का पटाखा है इसमें, तो इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा है, और अभी मैं इसको वापस पैक कर देता हूँ, कभी ये मुझे जमा दे यहाँ, तो दोस्तों इनको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर हमारे पास दोस्तों अजंता के 2 ये जिंगल है, 150 रुपए का एक है, ठीक है, तो ये दिखाता हूँ मैं निकाल के आपको। अब मैंने इन सब पे ना उठा पहले से ही प्राइस लिख दिया था जिससे मुझे टाइम ना लगे आपको दिखाने के, तो अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो देखो ये दोस्तों इस तरीके का है, 150 रुपए का ही है, तो ये जैसा हमारा जैसा वो मिलाना रखा हुआ है ना उधर कोने में, उसी तरीके का है ये जिंगल, ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसको भी कैसा चलता है। इसके भी हमारे पास दोस्तों 2 पीस है, फिर दोस्तों हमारे पास है ये टिटू 16-1 है, और इसमें ये बॉल टाइप एक पटाखा है, और इसमें 1 पीस है, निकल जाए यार। देखो हमारे पास इसके 2 बॉक्स हैं, तो दोस्तों 90 रुपीज का एक है ये, और ये निकालता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो तो दोस्तों इस तरीके की एक बॉल है, और इसमें यहाँ आग लगाने का दिया हुआ है, तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये ऐसी कुछ घूमेगी, नहीं देखो ये जिस इस पे बना हुआ है ना शायद ऐसा हो, देखो आपने थंब के नीचे देखो, हाँ ये इसमें चक्री सी दिख रही,
तो दोस्तों क्या पता 6-7 चक्री निकलती है छोटी छोटी, तो दोस्तों वो हमें पता चल जाएगा जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। बाकी हमारे पास इसके 2 बॉक्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा चलता है। कमेंट में बताना कौन सा आपके कौन सी टेस्टिंग आपको सबसे पहले देखनी है, और दोस्तों ये भी बताना कि आपको सबसे अच्छा पटाखा कौन सा लगा अभी देखने के बाद। फिर दोस्तों हमारे पास है ये प्यूमा का 200 रुपए का स्काई शॉट, इसमें 3 पीसेस हैं, 3 सेल हैं, देखो इस तरीके के 3 सेल हैं, फ्लोरा स्काई लिखा हुआ है, और तीनों ही मुझे तो मतलब सेम टाइप लग रहे हैं। एक मिनट देख लेते हैं, ये देखो फ्लोरा स्काई है, सेम ही है दोस्तों इसमें, तो चलते अच्छे हैं प्यूमा के, मैंने लास्ट ईयर भी चलाए थे तो काफी अच्छे स्काई शॉट होते हैं, तो इसलिए मैंने ये उठा लिए और मैं आपके दिखाने के लिए ले गया दोस्तों। फिर दोस्तों हमारे पास है ये एलियन, एलियन के बॉक्स है दोस्तों, ठीक है, और ये 180 रुपए का एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है मेरे पास। जादू ऋतिक रोशन की मूवी से डायरेक्ट यहाँ पे, तो एक्चुअली मैं लेना तो एक ही चाहता था, लेकिन उसने दुकान वाले ने मुझे चिपका दिए, रख दिए होंगे उसने चुपचाप दो। तो देखो इस तरीके का दोस्तों ये पटाखा है, इसमें ये अनार ही होता है एक्चुअली, तो इसे यहाँ रख के चला देंगे और इसमें आग लग जाएगी, देखते हैं दोस्तों कैसा होगा, ठीक है। तो इस जादू को रख देते हैं हम यहाँ पे, चल भाई जादू यहाँ बैठ जा। फिर इसके बाद हमारे कट्टे में दोस्तों बचा है लास्ट आइटम, ये देखो कट्टा हो चुका है हमारा खाली, ये बचा है लास्ट आइटम। तो ये दोस्तों हमारा होता है ओडो बोर्ड्स, 5-in-1 है, और ये कितने का है, 350 रुपये का दिया दोस्तों। दोस्तों लास्ट आइटम नहीं है, अभी एक दो और भी आइटम बचा है, वो मैंने पहले ही निकाल दिया था इस कट्टे से, तो वो भी दिखाता हूँ मैं, ये देखो। तो दोस्तों इस तरीके के इसमें ना 5 कलरफुल अनार है, ये देखो आप यहाँ इसमें आग लगेगी और काफी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो ये ओडो बोर्ड्स को, ओड बोर्ड्स इनको हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारे पास है ये 1000 वाली कोरोनेशन की लड़ी, और दोस्तों फिर इसके बाद है चॉकलेट का डिब्बा हमारे पास ये मैजिक बज अनलिमिटेड क्रैकलिंग फन, 160 रुपए का है, और इसको निकाल के देखते हैं दोस्तों क्या है। ये रहा, ये दोस्तों इसमें तो सांप सलौंडा सा है, ठीक है, तो इसमें यहां से आग लगेगी और मतलब काफी सही दिख रहा है, तो देखते हैं दोस्तों कैसा चलेगा। तो इसको भी हम अपना यहाँ इसमें रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और पटाखा है जो काफी अच्छा है, वो दोस्तों ये है 300 रुपए का एक मैजिकल मशरूम ग्लिटरिंग फाउंटेन दिया उसने, और इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो इसमें दिखाता हूँ मैं मशरूम कैसी है, मैं इसको खोल लेता हूँ। एक्चुअली मैंने वहां पे दुकान पे कुछ चीजें खोल खोल के भी देखी थी, तो मुझे ये सही लगा था, तो इसलिए मैंने ले लिया था। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसके बॉक्स को, ये यहाँ से निकाल के, ये देखो दोस्तों इस तरीके की इसमें मशरूम है, एक्चुअल मशरूम लग रहा है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फायर हेयर, यहाँ से आग लगानी है रख के, और दोस्तों इस तरीके से ये पटाखा चलेगा। तो मशरूम मुझे काफी सही लग रही है, मशरूम मुझे खाने में भी अच्छी लगती है, और मशरूम मसाला जो होता है जिम में पानी आ रहा सुन के, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का हमारे पास ये है मशरूम का पटाखा। तो दोस्तों हमारे पास कट्टे में यही सारे आइटम थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, और आप बताना आपको सबसे अच्छा इसमें कौन सा लगा, और किसकी टेस्टिंग आप देखना सबसे पहले पसंद करेंगे। और दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।